टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में वनराज हो गया है गायब और वनराज के गायब होने के बाद अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। वनराज के गायब होने के बाद अनुपमा समझ नहीं पा रही है कि उसकी विलनगिरी को दूर करे तो कैसे करे। भाई तोशु ने परिवार के लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है, लीला बा के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी है। और इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बीच अब आप देखने वाले हैं वनराज को वापस लौटते हुए। जी हाँ, शो के अपकमिंग एपिसोड में देविका अपने साथ वनराज शाह को लेकर लौटने वाली है। एक तरफ तोशु लीला बा के साथ कर रहा होगा बदतमीजी और वहां दूसरी तरफ देविका वनराज के साथ लौटकर आएगी। अपने साथ देविका वनराज शाह को भी लाएगी। वेल, वनराज आएगा और सबको बताएगा कि तोशु ने उसके साथ किया क्या है। वनराज आएगा और सबको बताएगा कि किस तरह से उसकी अपनी औलाद ने उसे जान से मारने की कोशिश की। पैसे भी लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि ये तोशु ही है। वनराज को ये सब कुछ पता चलेगा और वो देविका के साथ लौटकर अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताएगा। एहसास होगा वनराज को कि जो कुछ भी उसने किया अपने बच्चों की खातिर उसने तो किया सही, लेकिन हुआ है उसके साथ कितना ज्यादा गलत। अब वनराज को अपनी गलती का एहसास जब होता है वो इसे कैसे सुधारता है अपकमिंग ट्रैक में देखना होगा।